हमारा आज का टॉपिक है काउंटर। काउंटर एक ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट होता है कि जिसकी स्टेट एक पर्टिकुलर काउंटिंग सीक्वेंस के अंदर चेंज होती है। आपको क्वेश्चन के अंदर एक काउंटिंग सीक्वेंस दिया होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि 3 बिट का काउंटर बनाना है, यानी कि 3 फ्लिप फ्लॉप्स का काउंटर बनाना है कि जिसके जो फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट हैं वो इस सीक्वेंस में चेंज हो। कि लेट्स सपोज के ये 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, A2, A1 और A0। अब A1 की चेंज हो, A1 की आउटपुट 0 है, A2 की 0 है, A1 की 0 है और A0 की भी 0 है। कह रहे हैं कि अगली दफ़ा जब क्लॉक पल्स चेंज होगी तो अगली दफ़ा यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ उसको, अगली दफ़ा A2 की 0 हो, A1 की 0 हो और A0 की 1 हो, एंड सो ऑन। इसी के साथ आप देख सकते हैं तो ये आप लोगों को अल्टीमेटली सीक्वेंस बनाना है। अब ये सीक्वेंस बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को करना ये है कि सबसे पहले इसका एक एक्साइटेशन टेबल बनाना है। एक्साइटेशन टेबल कैसे बनेगा, उसके लिए आपको ये आप लोग इसका देख सकते हैं एक्साइटेशन टेबल। इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास कि एक पहले कॉलम के अंदर 3 फ्लिप फ्लॉप्स की प्रेजेंट स्टेट है, अगले कॉलम के अंदर 3 फ्लिप फ्लॉप्स की नेक्स्ट स्टेट है और उससे बाद 3 फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट हैं। यानी कि अगर मैं एक बार फिर ब्रश से आपको क्लियर कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि आपको यहाँ से ये इनपुट फ्लिप फ्लॉप से ये आउटपुट है, फ्लिप फ्लॉप की जो ये आउटपुट है, ये अगर मेरे पास जा रही है फ्लिप फ्लॉप की ये वाली जो आउटपुट है, ये अगर फ्लिप फ्लॉप की अगली दफ़ा उन 3 फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट ये बन जाएगी, लाइक A2 की 0 हो जाएगी, A1 की 0 हो जाएगी, A1 की नॉट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने बनाना है एक्साइटेशन टेबल। और उसके बाद ये क्या है, जिस वक्त A2 0 से 0 होगा उस वक्त TA2 यानी कि जो T फ्लिप फ्लॉप है, जो 2 नंबर फ्लिप फ्लॉप है, उसकी इनपुट क्या होगी। यहाँ से हम लोग देख सकते इसकी इनपुट क्या होगी, ठीक है। ऐसे ही वो कह रहा है कि जिस वक्त A1 0 से A1 0 के अंदर जाएगा तो उस वक्त TA1 की इनपुट क्या होगी, ठीक हो गया। ऐसे ही जब A2 मेरे पास 0 से A0 1 के अंदर जाएगा तो उस वक्त जो इस वक्त फ्लिप फ्लॉप की इनपुट क्या होगी, ठीक होगा जी। ये हम लोगों ने करना है। वेल ऐसे एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाना है, काउंटिंग सीक्वेंस शुरू में आपको बताया था कि काउंटिंग सीक्वेंस आप लोगों को गिवन होगा, उस काउंटिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक्साइटेशन टेबल ऐसे बनाना है कि जो स्टेट जो आपको जो सीक्वेंस दिया गया है, आप लोगों ने जो अगली स्टेट है उसको आप लोगों ने इसकी नेक्स्ट स्टेट बना देनी है। ये अगली स्टेट 001 थी, ये आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट 001 कर दी। ऐसे ही इसकी नेक्स्ट स्टेट 001 थी और 0001 सी नेक्स्ट स्टेट कौन सी थी, 010। तो ये आप लोगों ने इसकी अगली स्टेट 010 कर दी। इसी तरीके से 010 की अगली आपने कर दी 011, क्योंकि इस अगली यहाँ पर हमारे पास हम लोग देख सकते हैं 011 आ रही है। ऐसे 100 एंड 101 एंड 110 एंड 111 और इसकी जो लास्ट स्टेट है वो दोबारा रिवाइज हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब हमारे पास हम लोगों ने फाइंड सिर्फ एक चीज़ करनी होगी कि एक्साइटेशन टेबल के थ्रू हम लोगों ने देखना होगा कि उस वक्त फ्लिप फ्लॉप की इनपुट क्या होती है। हम लोग देखेंगे जी कि जिस वक्त A2 से A1 के अंदर जा रहा है, 0 से 0 में जा रहा है, A2 प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जब से 0 से 0 में जा रहा है, उस वक्त टी फ्लिप फ्लॉप की स्टेट क्या होती है। तो मैंने एक्साइटेशन टेबल बना कर रखा हुआ है जी, ये टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल है। यू कैन चेक कि जिस वक्त, मैं ब्रश से क्लियर कर दूँ, जिस वक्त प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 0 है उस वक्त फ्लिप फ्लॉप की इनपुट क्या होती है। उस वक्त फ्लिप फ्लॉप की इनपुट वो दिखा रहा है कि 0 होती है, यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, अब दोबारा अगेन TA2 की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसकी A1 को देख लेते हैं, 0 से 0 में जा रही है तो उस वक्त हम लोग पहले देख चुके हैं 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। और जबकि A0 है ये 0 से 1 में जा रहे हैं,
इस कंडीशन को एक बार चेक कर लेते हैं, जब जीरो से वन में जाएगा टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल हमारे सामने है, हम लोग देखते हैं कि जब जीरो से वन में जाता है उस वक्त इसकी इनपुट क्या होती है, टी की इनपुट क्या होती है, वन होती है, यानी कि हम लोग यहाँ पर लगा देंगे वन, यहाँ पर जी हम लोग यहाँ पर लगा दिया वन, ओके हो गया जी। जिस तरीके से ये बना है इस तरीके से बाकी सारी की सारी रोल्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। जब सारी की सारी रोल्स कंप्लीट हो जाएंगी तो ये हमारे पास इस तरह के ऐसे मुकम्मल एक एक्साइटेशन टेबल बन जाएगा जो कि 3-bit काउंटर के लिए बना होगा। ये आप देख सकते हैं इसको स्क्रीन के ऊपर, अगर मैं जूम करके दिखाऊँ उसको तो एक्साइटेशन टेबल्स का कंप्लीट ये देख लें इसका कंप्लीट एक्साइटेशन टेबल, ओके। अगला स्टेप एक्साइटेशन टेबल बन गया, इसके बाद अगला स्टेप हमारे पास कौन सा है, अगला स्टेप हम लोगों ने करना ये है कि जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स आ रही हैं वो दरअसल हमारे पास इस एक्साइटेशन टेबल का आउटपुट है, तो इसकी हम लोगों ने क्या बनानी है, के में आपके ज़रिए इसकी इक्वेशन निकालनी है। सबसे पहले टी ए टू की मैं इक्वेशन निकाल लूँगा, टी ए टू को अगर आप लोग देखें, टी ए टू के लिए मैंने के मैप बनाया और टी ए टू के अंदर आप लोग देखें कि वन वन किस स्टेज के ऊपर आया है, एक मेरे पास वन जहाँ पर आ रहा है, एक वन मेरे पास ये आ रहा है और एक वन मेरे पास ये आ रहा है, ये दोनों वन किस वक्त थे, एक वन उस वक्त था कि जिस वक्त जो मेरे पास प्रेजेंट स्टेट थी वो 011 थी, जहाँ से इसको मैं देख सकता हूँ 011 इस स्टेट के ऊपर मैं लगा दूँगा वन, और दूसरा वन किस वक्त आ रहा था मेरे पास, दूसरा वन मेरे पास आ रहा था इस वक्त जबकि प्रेजेंट स्टेट कौन सी थी मेरे पास 111, तो यहाँ पर दूसरा वन मैं यहाँ लगा दूँगा। ऐसे टी ए टू के लिए मेरे पास बन गया। हाँ, ये जो के मैप बने बनाया है ये जहन में रखिए, ये इसमें ए टू ए वन ए नॉट के लिए ये के मैप आपको वैसे नज़र आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जहाँ पर जहाँ हम लोग एक्स लगाते हैं वहाँ पर ए टू है, जहाँ हम लोग वाई जेड लगाते हैं वहाँ पर ए वन ए नॉट है, ठीक है। वेल इसके अकॉर्डिंगली जब मैं इसकी ग्रुप बनाकर इसका आंसर निकाला तो उसका ये आंसर निकल गया ए वन ए नॉट, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम लोग बनाने जा रहे हैं ए वन का के लिए, ए वन के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं इसका के मैप बनाने जा रहे हैं। ए वन जी है मेरे पास, ए वन के अंदर मैं देखूं कि वन कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ए वन के अंदर एक वन जहाँ पर आ रहा है, एक वन जहाँ पर आ रहा है, एक वन जहाँ पर आ रहा है और एक वन जहाँ पर आ रहा है, इन चारों वन को मैंने प्लेस किया। एक वन अगर मैं देखता तो ये उस स्टेट के ऊपर था जिसमें 001 था, 001 इस जगह के ऊपर ऐसे एंड सो वन, इस जगह सारे के सारे मेरे पास वन प्लेस कर दिए, इस इनका मैंने ग्रुप बनाया और आंसर मेरे पास आ गया ए नॉट। और इसी तरीके से लास्ट वन टी ए नॉट के लिए जब मैंने के मैप बनाया तो सारे के सारे वन आ रहे हैं, हमें पता ही है कि जब सारे के सारे वन हों तो उस के मैप का आंसर क्या होता है, वन, ओनली वन। तो इस तरीके से मैंने जी इक्वेशंस फाइंड कर ली टी ए टू के लिए भी और टी ए वन के लिए भी और टी ए नॉट के लिए भी, यहाँ तक बात हो गई। पहला स्टेप दोबारा रिवाइज करते हैं अभी तक का काम, पहला स्टेप क्या, एक्साइटेशन टेबल बनाना, दूसरे स्टेप के ऊपर जो फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स थी उन इनपुट्स को एज एन आउटपुट कंसीडर करके उनका के मैप के ज़रिए उनकी इक्वेशन फाइंड करना, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो जो इक्वेशंस फाइंड किए हैं उन इक्वेशंस की डायग्राम बना। जब हम लोग डायग्राम बना चुके हैं तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डायग्राम इसी कैसे कि मैंने तीन जो डायग्राम को हम देखते हैं, ज़रा सा कोशिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को इसी कैसे नज़र आ जाए, ये डायग्राम हमारी नहीं जी, तीन फ्लिप फ्लॉप्स, तीन टाइप फ्लिप फ्लॉप्स हैं इस डायग्राम के अंदर, हम लोग देख सकते हैं ए टू ए वन और ए नॉट, ठीक है जी, ये इनकी ब्लॉक डायग्राम्स हैं तीन की। अच्छा, ये अगर हम लोग देखें कि टी ए नॉट की जो हमें इक्वेशन के ज़रिए हमें आउटपुट मिली थी वो क्या थी, वन, हम लोगों ने सिर्फ एज इट इज़ ये वन लगा दिया, जबकि टी ए वन की इनपुट क्या थी हमें, हमारे पास वो थी ए नॉट और एज इट इज़ हम लोगों ने सिर्फ ए नॉट को इसकी इनपुट बना दिया। ऐसे टी ए वन की क्या थी, ए वन एंड ए वन एंड ए नॉट, इसको एंड गेट के साथ मिलाकर इसकी इनपुट बना दी। इस तरीके से हमारे पास डायग्राम आ गई। ये तो था जी हमारे पास 3-bit काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप, 3-bit काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आप लोग को लेट्स सपोज ये कहा जाता है कि ये के फ्लिप फ्लॉप्स के ज़रिए बनाएं, उसके लिए क्या बनाएंगे, या काउंटिंग सीक्वेंस बदल के आ जाते हैं, पर्टिकुलरली काउंटिंग सीक्वेंस बदल गया, तो ये क्वेश्चन जी मेरे पास के जिसके अंदर काउंटिंग सीक्वेंस अगर हम लोग देख लें तो इसमें सारा का सारा वो काउंटिंग है। आप देख सकते हैं कि 000, उसके बाद 001, उसके बाद 010, उसके बाद फिर 011 नहीं है बल्कि 100 है, जहाँ पर एक हमारे पास टर्म मिस हो रही है, ये वाले ये टर्म है, ये एक टर्म हमारे पास मिस हो रही है।
उसके बाद 101 ठीक है, उसके बाद फिर 110 है, और 111 वाली टर्म भी हमारे पास वो भी नहीं है यहाँ पर, ठीक हो गया। तो अब उसके लिए कैसे हम लोग बनाएंगे, वो सिंपल वही बात आप लोगों ने रूल ऑफ थम्स ये याद रखना है कि हम लोगों ने हमें जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा हम लोगों ने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखना है कि उस टेबल की जो अगली रो है, उस टेबल की जो अगली रो है उसको हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेट बना दें। इसकी अगली रो क्या थी, 001, हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेट के अंदर अगली स्टेट 001 कर दी। 001 से अगली स्टेट क्या थी, 010, हम लोग ने जो दूसरी रो की हम लोग ने अगली स्टेट कर दी 010। ऐसे 010 की अगली स्टेट क्या थी, 100, हम लोगों ने इसकी अगली स्टेट बना दी 100। 100 की अगली स्टेट क्या थी, 101, हम लोग ने इसकी अगली स्टेट 101 बना दी। और उसके बाद 101 की अगली स्टेट क्या थी, 110, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग इतना मुकम्मल करेंगे, बाकी काम वैसे ही है। ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, जैसे उसके अंदर टी थी हमारे पास, ऐसे हमारे पास जेके होगा। थोड़ा सा फ़र्क यह है कि टी के अंदर अब ऐसी एक ही सिर्फ टी होता है, जबकि इसके अंदर दो इनपुट्स होती हैं। ये फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हम लोग देख रहे हैं, तो उसकी दो इनपुट्स होती हैं, ए के लिए रहता, जैसे उसके अंदर टी ए टू, टी ए वन, टी ए नॉट हम लोग नाम रखे थे, ऐसे इसका नाम हम लोग ए बी और सी रखा है। तो ए के लिए जे ए के ए, जे बी जे सी, जे बी के बी, और जे सी के सी, ठीक है जी। अब हम लोग देखने अगेन वही देखने जा रहे हैं कि अगर जीरो से ज़ीरो में जब गया तो जे के फ्लिप फ्लॉप्स के एक्साइटेशन टेबल से मैं देख सकता हूँ। किधर गया जी, जे के फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल, जे के फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल से मैं देख सकता हूँ कि जिस वक्त ज़ीरो से ज़ीरो में जाता है उस वक्त जे ज़ीरो होता है। ये मैं पॉइंट आउट भी कर दूँ, ये जी जे ज़ीरो होता है और के मेरे पास एक्स होता है। ज़ीरो से ज़ीरो में जब जाता है तो जे ज़ीरो होते हैं और के एक्स होते हैं। तो उसको मैं देख लेता हूँ जी, यहाँ पर मैं कैसे बना रहा हूँ। इस वक्त जे ज़ीरो में लिखा और के एक्स लिखा, ऐसे ज़ीरो से ज़ीरो में जब गया तो उस वक्त जे ज़ीरो और के एक्स, और ऐसे ज़ीरो से वन में गया तो जे वन होता है और के एक्स होता है। इस तरीके से मैं ये मुकम्मल करूँगा ये वाला टेबल, और फिर इनकी बनाऊँगा वेल अगेन इक्वेशन फाइंड करूँगा, और इसके बाद इनकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनी है। तो इस तरह का से आप लोगों को, हाँ जी, ये डायग्राम है, ये स्टेट डायग्राम की डायग्राम है कि स्टेट डायग्राम कैसे बनती है। अगर तो जैसे ऊपर वाला काउंटर था उसकी तो डायग्राम सिंपल सी थी कि हम लोगों ने सारे के सारे हमारे पास सर्कल वैसे बना था, लेकिन इसमें दो स्टेट जैसे बताया था मिस, एक 111 वाली मिस थी और एक 011 वाली मिस थी। जो मिस स्टेट है उसको हम लोग बाहर रख सकते हैं, लेकिन ये स्टेट डायग्राम बनाना ऑप्शनल होती है, ये ज़रूरी नहीं होता हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यह था हमारे काउंटर का क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था।